पागलपन तो तुझे अब हम दिखाते हैं। चलो दूर करो इसका पागलपन। रुक डंडे किधर है? लेके आता हमें डंडा। मारो मारो मारो। आप लोगों से माफी मांगती हूँ बाजी, प्लीज इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। हम लोगों को माफ कर दीजिए। विवान चलो यहाँ से। क्यों? और तुम कौन? जाओ अपने पापा जी को बता दो। ये सब तो उनका ही किया गया होगा ना। वो तो इनफैक्ट बहुत खुश होंगे कि वो जो चाहते थे वो हो रहे। विवान ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चुप रहो और चलो यहाँ से। चुप रहूं मैं मीरा? बस यहाँ पे इस गांव में लोग अपनी मर्जी दूसरों पे थोपते रहते। तुम तो कुछ नहीं बोल रही ना मीरा, तो मैं क्यों चुप रहूं? तुम्हें पता है इस लड़की के साथ क्या हुआ? इसके बाप ने इसको बोला कि ये उसका स्कूल छुड़वा देगा। बेचारी पढ़ना चाहती थी, कुछ कुछ आगे बनना चाहती थी, पर नहीं। पर ये इंसान जबरदस्ती इसको स्कूल से निकलवाना चाहता है। वो करवाना चाहता है जो ये चाहे, जबरदस्ती। वो भी एक बाप धमकियां देके अपनी बेटी का फैसला बदलना चाहता है, वो बेटी कुछ नहीं कहेगी। तुम चुप हो मीरा, मैं क्यों चुप रहूं? विवान चलो यहां से। नहीं जाऊंगा यहां से। और मैं नौकर नहीं हूं तुम्हारा। जो तुम कहोगी वो मुझे करना नहीं है, मैं ना ही करूंगा। मैं यहां पे प्यार करने आया था मीरा, और क्या कर रहा हूं? झाड़ू लगा रहा हूं, साफ सफाई कर रहा हूं, वो सब कर रहा हूं। ये सब चलो यहां से। मीरा क्या क्या कर रही हो मीरा? अगर मैं तेरे लिए कोई लड़का देखूं, तुझे कोई दिक्कत? नहीं पापा जी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप जो भी करोगे मेरे भले के लिए करोगे। आपने मुझे जिंदगी दी है, तो आपका तो पूरा ही हक बनता है। मैं तैयार हूं।